उड़ता रंग गुलाल हर कोई रंग में सराबोर, होली की मस्ती और होली के गीतों पर झूमते श्रद्धालु, फिर एक दूसरे से जमकर खेली होली। ऐसी होली का नज़ारा बरसाने की गलियों और नंदगांव के नंदभवन महल में देखने को मिला। लठमार होली से पहले रंग गुलाल और लड्डुओं की होली खेली गई। जब जग होरी जा ब्रज होरा, वास्तविकता में यही कहावत वर्तमान में मथुरा के बरसाना व नंदगांव की गलियों में चरितार्थ हो रही। बरसाना राधा रानी का गांव है और नंदगांव श्री कृष्ण का। पौराणिक आधार पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी व उनकी सखियों के साथ होली खेली तो नटखट कन्हैया के उत्पात से नाराज होकर राधा रानी ने सखियों संग लाठी से प्रहार किया। यही प्रेम की होली हजारों वर्षों से चली आ रही। इसी परंपरा में 23 मार्च मंगलवार की शाम को नंदगांव के हुरियारे बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने आए। बरसाने की हुरियारिन नंदगांव के हुरियारों पर खूब लाठियां बरसाएंगी। इन लाठियों को कई दिन पूर्व से तैयार कर लिया गया है। दूसरे दिन 24 मार्च बुधवार को अपनी हुरियारिनों का बदला लेने के लिए बरसाने के हुरियारे नंदगांव होली खेलने जाएंगे। बरसाने में लठमार होली से पहले सोमवार को श्रीजी महल में लड्डूमार होली खेली गई। होली से पूर्व रसिया गायन व नृत्य की थिरकन पर श्रद्धालु भाव विभोर दिखाई दिए। कान्हा के गांव नंदगांव में राधा रानी के गांव बरसाना से लठमार होली का निमंत्रण पहुंचा। बरसाना से लाडली जी की दर्जन भर से अधिक सहचरी ढोल नगाड़ों के साथ नंद भवन पहुँची। सखियों के नंद भवन में प्रवेश करते ही पहले से पलक पावड़े बिछाए ग्वालों ने सभी सखियों की चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। मथुरा से मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। तुम्हारी होली हो रही है, उसका क्या महत्व और क्यों मनाई जाती है? जय जय श्री राधे। हम सेवाधिकारी किशोरी श्याम गोस्वामी श्री लाडली जी महल बरसाना से। हमारा जो ये महोत्सव है श्री लाडली जी महल बरसाना विराजमान सेवाएं संघ, ये सारा इंतजाम करने वाले हैं यहाँ का। ये लाडली जी महल में ये जो आज इस पावन पर्व पर ये जो महोत्सव मनाया जाता है पूजा पीतम का, इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक विवेचना है। इसमें बहुत बड़ी कथा है। आज फाल्गुन शुक्लाष्टमी के दिन भगवान श्याम सुंदर के लिए प्रिया जी यहाँ होली खेलने का निमंत्रण देती हैं। यहाँ से रंग गुलाल और लड्डू लेके यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं नंद भवन में। नंद भवन से एक आग स्वीकारोक्ति, जैसे भगवान श्याम सुंदर ने उस लीला उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, वहाँ से वो एक संदेश बाहर के रूप में नंदगांव से ब्राह्मण आते हैं, उनको बोलते हैं पाणे। वो पाणे जैसे ही आते हैं वो संदेश देते हैं, हे प्रिया जी, आपका भगवान श्याम सुंदर ने होली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो ब्रजगोपियाँ हम सब यहाँ पर भगवान अपनी लाडली सरकार की सखियाँ हैं, सखियों के रूप में हैं। हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि सब मर्यादा भूल के जिसके हाथ में जो लड्डू मिठाई मिलती है उसके ऊपर में वर्षा करते हैं, गुलाल से वर्षा करते हैं। इसको हम पांडे लीला के नाम से जाना जाता है। ये फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन होता है।